जहर होता है, जहर का काम क्या है, मुंह में डालने के बाद में मनुष्य हंसता है ना, जहर पीने के बाद में मनुष्य हंसता है, सही है, मुंह फाड़ता है और दुनिया से विदागरी लेता है। उसी तरह ये जो दुर्व्यसन है, दुखों के गर्त में डालते हैं, दुखों के मुसीबतों में, इस वास्ते उन दुखों से बचने के वास्ते नित्यम, नित्यम का मतलब नित्य शब्द का अर्थ आप लोगों ने सुना होगा, ब्रह्म विद्या पढ़ते हैं हमेशा। यहाँ पर इस सावली मूर्ति मंदिर में ब्रह्म विद्या के व्याख्यान सुनते सुनते 50 साल से ज्यादा तो मेरे को हो गए, अब 50 साल से 10-15 साल ऊपर का व्यक्ति हो तो उसने तो तब तक का इतिहास सुना देखा होगा। तो ये नित्य, नित्य का मतलब नित्य का मतलब क्या है, मैं तो सिर्फ एक शब्द का घट बंद करना हो तो क्या करना पड़ेगा, बर्बाद एक व्यक्ति नित्य है और उसको हम तोड़ना फोड़ना चाहे, नष्ट करना चाहे तो हो सकती है नहीं, क्यों नहीं, काले उपाय बहुत अच्छा कहा, तो काले उपाय न नसीते नित्य, कालांतर में एक वस्तु क्या होती है कि समय प्राप्त हो जाने के बाद में दिन बीत गए, साल बीता, 2 साल बीता, 10 साल बीता, 50 साल बीता, 100 साल बीता, अपने आप ही एक वस्तु धीरे 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 सड़ना गलना उसका शुरू होता है और नष्ट होती है। दूसरा उपाय है उसका नष्ट करने का, कोई पत्थर है, सख्त है, हथौड़ी ले लो, उसको कूटना शुरू कर दे, पत्थर चूरा हो जाएगा, लोहा है, लंगर है, सोना है, चांदी है, धातु है, उसको आग में डालो तो आग निकल वो राख बन जाता है। तो काले उपाय न नसेते नित्य, इस प्रकार का जो नित्य शब्द का अर्थ है और वो नरकों के बारे में या ऐसा शब्द नित्य का कि नित्यम घोरा कि घोरा नरके पचंती, नित्य से नित्य, घोर से भी घोर, महान दुखों के अंदर इन व्यसनों का सेवन करने वाला व्यक्ति, यदि हम जैसी संगति करेंगे फल तो वही मिलना है ना। एक कवि कह रहा है कवि का कहना है कि इस संसार के अंदर यदि हम बुराई करते हैं, बुरे काम करते हैं, कर कुसंग चाहे कुशल, कर कुसंग चाहे कुशल, और तुलसी है अफसोस, महिमा घटी समुद्र की तो रावण बसत पड़ो। कुसंग, कुसंग करने के बाद में मनुष्य कहे कि मैं तो जय कृष्ण हूं, यदि हफ्ते में एक आधे दिन पी लिया तो क्या उसमें कोई किसी की हिंसा थोड़ी है, परंतु ये तुलसीदास के कहने के मुताबिक तुम चाहे कितना भी कुछ हो, चाहे भगवान से रात दिन बातें, एक मैंने सुना था एक संत जिनकी प्रसिद्धि पंजाब में किसी शहर की, वो कहते थे कि सुबह 3 बजे भगवान मेरे से बातें करते हैं, करते होंगे भैया, हमारे से तो बातें नहीं की, क्योंकि भगवान को और कोई काम नहीं था तो 3 बजे इन असंत अनंत जीव पड़े हैं दुखों में के गर्त में, जिनके बारे में सोचना वो छोड़ करके हमारे से बातें करने, क्या दिल बहलाने के वास्ते। कर कुसंग चाहे कुशल तुलसी ये अफसोस, महिमा घटी समुद्र की तो रावण बसत
वैसे ही चंदन पड़ा चमार घर और नित उठ कूटे चाम, चंदन बिचारा क्या करे पड़ा नीच से काम। यदि आप जय कृष्णी धर्म के अंदर है उसका नाम लिया है ये चंदन, क्या महाचंदन, इसका सेवन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हम उसको छोड़ करके ये गंदे नाले का गंदा पानी यदि पीना शुरू कर दिए तो हमारी जिंदगी फिर कभी सुधर नहीं सकती, हम सुख की ओर नहीं जा सकते। नित्यम घोरा से घोरा नर के पचंती, इन व्यसनों के अधीन हुआ व्यक्ति। और इसी बात से भगवान श्री चक्रधर महाराज ने ये शब्द एक ही वचन के अंदर सारा निचोड़ कर दिया, व्यसन से काय सियाचे ही संभावे। व्यसन चाहे वो शराब का हो, चोरी हो, जारी हो, खाने का हो, पीने का हो, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जय कृष्णी यदि है तो जय कृष्णी धर्म को इस कलंक से बचाने के वास्ते मैंने बोला जरूर है, परंतु नाम नहीं ले सकता। यदि कोई चाहता हो तो फिर हम नाम भी बता सकते हैं, परंतु नाम लेकर के बेमौत मरना नहीं, डंडा लाकर सिर फोड़ेगा, पिया हुआ है तो, और उसको नशे में देखकर ऐसा यदि फोटो किसी को देखना हो तो दिखा सकते हैं। श्री गोपाल कृष्ण श्री दत्ता